इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने जूम एप्लीकेशन की प्रोफाइल फोटो को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे आप कैसे बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जूम एप्लीकेशन की प्रोफाइल फोटो को चेंज करना तो उसे कैसे करते हैं, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहां पर देखिए, जूम एप्लीकेशन की प्रोफाइल फोटो को चेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको अपने मोबाइल में जूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए यहां पर देखिए अपने जूम एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। सो ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से चाहे तो अपनी मीटिंग को आप क्रिएट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, देन स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। चलिए देखिए चेंज करने के लिए देखिए नीचे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे, देन अपने नेम के ऊपर यहां पर क्लिक करेंगे। सो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहां पर आपको शो कर दी जाएगी। आपको अपनी फोटो चेंज करनी है, इसके लिए देखिए आप यहां पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल फोटो चेंज करने के लिए। नीचे देखिए आप टैग फोटो पर क्लिक करके जस्ट नाउ अभी तुरंत फोटो क्लिक करके उसे यहां पर लगा सकते हैं। लेकिन नीचे देखिए आपको टैग यहां पर मिलता है चूज ए फोटो का ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। जस्ट फोटोज पर क्लिक करेंगे सो आपके इस तरीके से सारे के सारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे और अपने फोल्डर से जो भी फोटो लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए हम अपने हिसाब से इस फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन देखिए अपनी गैलरी को फोटोज को चूज करते हैं और अब जिस भी पार्ट में जितना फोटो को रखना चाहते हैं अपने हिसाब से फोटो को आप यहां पर क्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप जो भी छोटा रखना चाहे अपने अकॉर्डिंग यहां पर एडजस्ट करेंगे। चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूं इस तरीके से, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। चलिए डन पर हम क्लिक करते हैं और जैसे देखिए डन पर क्लिक करेंगे प्लीज वेट आएगा और जहां पर देख सकते हैं जो हमारी फोटो है जस्ट नाउ अभी अपडेट हो चुकी है। देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल फोटो थी यहां से देखिए अभी चेंज हो चुकी है। फिर से देखिए एक बार हम रिफ्रेश करके अपने जूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा तब आपको देखने को मिल जाएगी। सो चलिए इस एप्लीकेशन को एक बार हम क्लोज कर देते हैं और फिर से ओपन करते हैं ताकि वो जो फोटो वहां पर लगी हुई थी वो एक बार अपडेट हो जाए। तो देखिए हम यहां पर क्लिक करते हैं और जैसे ही देखिए हम क्लिक करेंगे हमारा फोटो यहां पर वो है चेंज हो चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप भी अपने अपनी जूम एप्लीकेशन की प्रोफाइल फोटो को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो थी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।